धार जिले के मरावड़ थाना के अंतर्गत सिंघाना चौकी पुलिस ने बीती रात यहां पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसडीओपी मनावर धीरज बब्बर सहित कई पुलिस के अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्टाफ का जो बल था वह भी रात्रि गश्त के दौरान तैनात था, जहाँ पर अवैध शराब परिवहन करने वाले दो आरोपी अयाज और प्रहलाद को गणपुर के सापास से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 6 पेटी सफेद मदिरा, 9 बियर की बोतल और कुल मिलाकर इनकी मात्रा 60 लीटर के आसपास अनुमानित बताई जा रही है, जिन्हें अब पकड़ लिया गया है। बाइक से यह पूरी शराब ले जा रहे थे और 50,000 रुपये भी इनसे जब्त कर लिया गए हैं। अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये शराब कहां से लेकर आए थे और किसे देने जा रहे थे। दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस गश्त के दौरान अवैध शराब पकड़ी है, क्या है पूरा मामला? ये कल दिनांक 25/10/2023 को हमारे चौकी प्रभारी सिंघाना को मुखबिर सूचना मिली थी कि अजाज और प्रहलाद जो निवासी गणपुर के हैं, जो अवैध शराब लेकर ये कौन सा गांव है अंजंदी रोड पे खड़े हैं। सूचना पर से घेराबंदी करके वहाँ दबी दी गई तो दोनों करीब 6 पेटी देशी मंदिरा और 9 वास्को की बियर और एक बाइक मोटरसाइकिल पे ले जाते हुए उनको दोनों को पकड़ा है। और प्रथम दृष्टया उनसे पूछताछ करते उन लोगों ने विनोद जायसवाल जो गणपुर का रहने वाला उसको देना जाना बता रहे थे। हम लोगों ने तत्काल इनको गिरफ्तार करके और अवैध शराब और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके असल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है।